हम इंसानों का हमेशा से मून पर जाकर बसने का सपना रहा है और आज के समय हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज भी उपलब्ध है जिससे कि हम अपने इस सपने को पूरा कर सके। नासा और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 20 से 40 बिलियन डॉलर्स के बजट से हम आने वाले 10 सालों में चांद पर ह्यूमन बेस यानी इंसानी बस्तियां तैयार कर सकते हैं। ये लागत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के प्राइस के बराबर होगा जो कि उस हिसाब से उतना ज्यादा नहीं है। वैसे चांद को जीवन के लिए परफेक्ट प्लेस नहीं कह सकते। एक मून डे धरती के करीब 29 दिन के बराबर है। साथ ही यहाँ दिन के समय तापमान 127 डिग्री सेल्सियस और रात में तापमान -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और ना तो मून में कोई एटमॉस्फेयर है और ना ही कोई शील्ड होती है जो हमें मीटियोराइट्स और यूवी रेडिएशन से बचा सके। चांद की सतह स्पेस डस्ट से भरी होती है और चांद की सरफेस भी काफ़ी हार्ड होती है। अगर हम मून पर घर बनाने की योजना पर काम करते हैं तो हमें 3 फेजेस से गुजरना होगा जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर मून बेस बनाने से हमें या हमारी पृथ्वी को क्या बेनिफिट होगा। मून एक सैंडबॉक्स की तरह है जिसका यूज़ हम नई टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट और अनलिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कर सकते हैं। ये स्पेस कॉलोनाइजेशन का पहला कदम जैसा होगा जिससे हम सोलर सिस्टम और उससे भी आगे तक आसानी से फैल सकेंगे। यहाँ के रिसोर्सेज से हम नई टेक्नोलॉजीज का खोज कर पाएंगे जो कि मून के साथ साथ हमारी पृथ्वी के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चांद पर हीलियम-3 काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। ये एक आइसोटोप है जिसका उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स में करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है और इससे हमें सस्ती और कभी ना खत्म होने वाली प्योर एनर्जी मिल सकेगी। इसी के साथ मून पर कई मेटल्स लाइक टाइटेनियम, सल्फर, आयरन और कई कीमती मेटल्स मौजूद है जिनको हम वहाँ से धरती पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इतने सब कुछ के बाद भी हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दरअसल सरकार को इंसानी सभ्यता पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए राजी करवा पाना काफ़ी मुश्किल है। इमेजिन कीजिए अगर हम आज ही एक मून बेस तैयार करना चाहे तो कैसे करेंगे। मून बेस बनाने के लिए रिसोर्सेज को मून पर भेजना काफ़ी महंगा होगा। लेकिन मून बेस बनाने का पहला फेज अभी चल रहा है। इसकी शुरुआत 60 साल पहले अपोलो मिशन और अमेरिकन लूनर सैटेलाइट रिकॉग्निशंस मिशन से चांद की सतह की मैपिंग करने के साथ शुरू हो चुकी है और चाइनीज यू-2 मिशन ने चांद की सतह पर स्टडी करके वाटर, आइस और मेटल्स की मौजूदगी के संकेत दिए। इन मिशन्स में हमारा देश भी पीछे नहीं है क्योंकि इंडिया ने अपने चंद्रयान-1 मिशन के जरिए मून पर आइस की फॉर्म में पानी को खोजा था। तो ये तो था पहला फेज। सेकंड फेज में साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉट्स पहला मून बेस तैयार करेंगे और पहले ही दशक में इसका निर्माण कंप्लीट हो सकता है। लेकिन चांद कोई रहने लायक जगह तो है नहीं, इसलिए हम इंसान मून की सतह पर सुरंग बनाकर अपना बेस बना सकते हैं जिससे कि हम मून के एक्सट्रीम टेम्परेचर और यूवी रेस से बच सके। लेकिन इन सब के बाद भी इंसान यहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा क्योंकि पानी और खाने की कमी होने लगेगी और लूनर नाइट्स के दौरान सोलर पैनल्स बिजली का उत्पादन नहीं कर पाएगा क्योंकि चांद पर 13.5 दिनों तक दिन रहता है और बाकी के 13.5 दिन रात। तो इसीलिए करीबन 2 हफ्तों तक वहाँ बिजली का उत्पादन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मून पर ज्यादा समय तक रहने के लिए मून के खुद के अपने रिसोर्सेज से हमें इन चीज़ों की जरूरत पूरी करनी होगी, जैसे कि हीलियम-3 से एनर्जी का उत्पादन करके वहाँ पर लगी मशीनों को चलाना, चांद पर मौजूद ऑक्सीजन आयरन, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और सिलिकॉन ऑक्साइड के फॉर्म में है। इस ऑक्सीडाइज मटेरियल को टेक्नोलॉजी और मशीनों की मदद से ऑक्सीजन में बदलना पड़ेगा, चांद पर मौजूद आइस को प्यूरीफाई करके पीने लायक पानी में बदलना और इसी पानी के जरिए वहाँ पर प्लांट्स को ग्रो करवाना और साथ ही वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग रूप से सेपरेट करना। ये करने से हाइड्रोजन ईंधन के उपयोग से बिजली की कमी भी दूर हो जाएगी। हाइड्रोजन ईंधन आमतौर पर रॉकेट्स में यूज होता है और अगर मून पर हाइड्रोजन ईंधन बनाया जा सके तो इस ईंधन के उपयोग करके लंबे समय तक स्पेस में ट्रैवल किया जा सकता है। इससे अदर स्पेस मिशन को भी पूरा किया जा सकेगा और पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा से इन चीज़ों को प्राप्त करना आसान और सस्ता होगा। मून बेस बनाने से मंगल में भी बेस बनाने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन अगर दूसरे फेज में फंडिंग रुक जाती है तो यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। यदि हम तीसरे फेज तक पहुंचकर एक ट्रू कॉलोनी मून पर बनाने में कामयाब हो पाए तो इस कॉलोनी को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और यहाँ के रिसोर्सेज से प्राप्त चीज़ों को धरती पर भेजना पड़ेगा, जैसे कि हीलियम-3
रॉकेट ईंधन, कीमती मेटल्स और कई अन्य रॉ मटेरियल्स। इसके बाद 3D प्रिंटिंग के जरिए हम चांद की मिट्टी से वहाँ पर घर बना सकते हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से फुली आर्टिफिशियली एटमोसफियर तैयार कर सकते हैं और चांद पर रहने का हमारा सपना पूरा हो सकता है। मून बेस की तैयारी शुरू हो चुकी है, कई प्राइवेट कंपनीज भी मून मिशन में जुट गई है, जैसे कि SpaceX और ब्लू ऑरिजिन। साथ ही सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इस मिशन में लग गई है, जैसे नैसा, इसरो, रॉसकॉस्मोस। अब देखना ये है कि कौन सा देश सबसे पहले मून बेस तैयार कर पाता है। तो आपके मुताबिक कौन सा देश सबसे पहले मून बेस बनाने में कामयाब होगा, अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।